हेलो एवरीवन, आपका अगेन वेलकम है टेक ऑफिस के चैनल पे, जहाँ पे मैं आज आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ हवोक ओएस का, जो कि रेडमी के फोर डिवाइस के लिए आया है, जिसे फिलहाल मैं मॉर्निंग से यूज कर रहा हूँ। तो कंप्लीट बैटरी की डिटेल्स, क्या नए फीचर्स है, क्या चेंज लोग है, और क्या आपको इसे डेली लाइफ में यूज करना चाहिए या फिर नहीं, ये सारे कंप्लीट सेटअप आपको इस सिंगल वीडियो के अंदर मिलने वाला है। बस आपको अपना 2-3 मिनट देना है इस वीडियो पे और ये डिसाइड करना है कि आपको इसे यूज करना है या नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे सर्दिया कह सकता हूँ कि आपको ये रोम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड वर्जन 10 देखने को मिलता है। वो का जो वर्जन है वो है 3.2। 5.5 का सिक्योरिटी पैच दिया गया है। बिल्ड डेट की अगर बात करें तो है 24। जी हाँ, लेटेस्ट वाला आपको जो बिल्ड देखने को मिलता है LAUM का, ये कर्नेल यूज किया गया है, जो कि अभी फिलहाल अधिकतर हवोक ओएस के सेम बिल्ड के अंदर देखने को मिल जा रहा है। बैक की ओर चलते हैं तो वही सारे ऑप्शंस वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, जो कि हम एवरीडे जो देखते आए हैं। उसके बाद अगर फिंगरप्रिंट की बात करें तो वहाँ फिंगरप्रिंट जो गुडिक्स और एपीसी वाला प्रॉब्लम चल रहा था, वो फाइनली 100% फिक्स कर दिया गया है हर एक रोम के लिए। तो आपको गुडिक्स से रिलेटेड या एपीसी से रिलेटेड कोई भी इशूज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कुछ प्रॉब्लम देखने को आपको मिलेगा। तो फिंगरप्रिंट 100% फिक्स्ड है। मोबाइल पर अगर साउंड की बात करें तो साउंड में आपको एमआई साउंड इनहेंसर वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छे तरीके से काम करता है। वहीं पर डिस्प्ले पे आते हैं तो कटआउट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि यूनिवर्सल डिवाइस के लिए है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, बट हमारे डिवाइस में इसका कोई भी काम नहीं है। बट यहाँ पे आपको डार्क मोड के अंदर शेड्यूल देखने को मिलता है, जहाँ पे आप शेड्यूल के अनुसार सेट कर सकते हो टाइम कि कब ये है जो डार्क मोड पे इनेबल होगा और कब ये डिसेबल होगा। तो ये काफी ऐसा फीचर्स मिल जाता है जो कि एंड्रॉयड 11 में मिलने वाला था इन फ्यूचर, बट अभी हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। तो ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंस ऐड किया गया है। बाकी वही सारे फॉन्ट्स कलर वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि परफेक्ट है। छोटी सी बात कर लेते हैं चेंज लॉग के, चेंज लॉग क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चेंज लॉग में ऐड कर दिया गया बैकग्राउंड कलर्स वगैरह, वाइब्रेशन के पैटर्न्स वगैरह जो ऑक्सीजन से लिए गए हैं, उसका स्क्रीन स्टेबलाइजेशन वगैरह ऐड किया गया है, AOD से इंप्रूवमेंट की गई है, साउंड टाइल्स वगैरह इंप्रूव किया गया है, एम्बियंट जेस्टर्स वगैरह एक्शन कर दिए गए हैं, वेकअप वगैरह किया गया है, डार्क थीम में और ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट वगैरह किया गया है, और बाकी कई सारी चीजें यहाँ पे इंप्रूव और फिक्स की गई है। वीडियो प्लेबैक में भी वगैरह में प्रॉब्लम आ रही थी, ये सारी चीजें जो फिक्स हो गई है, जो कि अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चेंज लॉग तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट बात करते हैं कि इस रोम की परफॉर्मेंस कैसी है और बैटरी बैकअप कैसी है। जी हाँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको दिखा दूँ कि अभी आप देख पा रहे हो कि 6 आवर 24 मिनट का है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है स्क्रीन ऑन टाइमिंग, और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज भी, टेम्परेचर भी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन डोंट वरी गाइस, यहाँ पे मैंने दोबारा चार्ज किया है बैटरी को चेक करने के लिए और चार्जिंग स्पीड चेक करने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट ग्राफ दिखा दूंगा। आप देख सकते हो टिकटॉक YouTube वगैरह यूज किए गए हैं, तो भाई टिकटॉक मैं फिलहाल यूज नहीं करता हूँ, बट अकाउंट बना के शेयर भी किया था, शायद आपको पता होगा। ठीक है, तो आ जाते हैं डायरेक्ट इसके फुल्ली ग्राफ वाले डिटेल्स के ऊपर कि क्या देखने को मिलता है। तब स्विच करते हैं कुछ स्क्रीनशॉट पे। तो पहली चीज आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो चार्जिंग का स्पीड है, ये हमें स्लो देखने को मिल जाता है। जी हाँ, तो आपको चार्जिंग स्लो फेस करना पड़ेगा, तो आप मॉड्यूल वगैरह का यूज करके फास्ट इनेबल कर सकते हो, तो उसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे जो इसका अनटूटू का स्कोर है वो है 5.7328 का है। सेम स्कोर हमें पिक्सल एक्सपीरियंस के रोम पे भी देखने को मिला था, तो दोनों की परफॉर्मेंस एक्यूरेट है। और यहाँ पे आप देख पाओगे बैटरी भी मैंने जो बिल्कुल लास्ट तक यूज किया है, तो उसके डिटेल के ऊपर हम आ जाते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 15% बैटरी लेफ्ट है, जो कि 100% से ग्राफ है, बीच में कहीं पे भी चार्जिंग पे डाला नहीं गया है, और 7 आवर्स पहले से चार्ज किया गया था, और 1 आवर 22 मिनट है जो लेफ्ट दिखा रहा है। तो उसके आगे की ओर आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे सेम चीज है, 6 आवर्स 4 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइमिंग है, जबकि मेरे फोन की बैटरी खराब हो चुकी है, अच्छा बैकअप नहीं मिलता है। बट इस रोम ने जो मुझे काफी है जो शॉक किया है बैटरी के मामले में, क्योंकि काफी कमाल का बैटरी को देखने को मिला है बैटरी खराब होने के बावजूद भी। तो रियली में गाइस, अगर आप इसे डेली लाइफ में यूज करते हो तो आपको काफी कमाल का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्मार्ट चार्जिंग वगैरह भी यहाँ पे जो ऐड कर दिए गए हैं, तो इससे भी रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज नहीं मिलते हैं। स्टेटस बार में टाइम एंड डेट, क्लॉक, डबल टैप, नोटिफिकेशन और गैलरी लेवल, बैटरी आइकन और 4G LTE, ये सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती है, जो कि वर्केबल है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे नीचे की ओर आते हैं तो हेडर एंड फूटर और यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर, जो कि आपने चेंज लॉग में देखा था, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी सेम आपको कॉमन ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे एम्बिएंट के ऊपर आते हैं तो ऑलवेज ऑन और चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, पिकअप वगैरह का, और यहाँ पे ये जो डिले कितना होना चाहिए डिस्प्ले पे, वो भी आप जो वैल्यू सेट कर सकते हो। बटन के अंदर वही सारी चीजें मिलती है, जहाँ पे ट्रिपल ट्रिपल वाले कस्टमाइजेशन है जो दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे इसके एंड्रॉइड 10 के नेबर पे आते हैं तो यहाँ पे 3 नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि बैक बटन को हाइड करना, एंड्रॉइड 10 का जो यहाँ पे पिल्स आता है सिंगल लाइन उसे हाइड करना, और हैप्टिक फीडबैक वगैरह इनेबल और डिसेबल करना। तो ये चीज आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको
पैच का यूज करना पड़ेगा या फिर आपको बिल्ड प्रूफ मैनुअली एडिट करना होगा, तब जाके आप जो इसके निब बार को इनेबल कर पाओगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल मिलता है स्क्रीन स्मॉल होने की वजह से। लेकिन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। म्यूजिक विजुअलाइजर, पॉकेट डिटेक्शन, ये सारी चीज आपको मिल जाता है। और चार्जिंग इन्फो जो मैंने आपको स्क्रीन शॉट में शो ही कर दिया है किस तरीके का दिखाता है। यहाँ पे आपको गेमिंग मोड और चार्जिंग एनिमेशन वगैरह भी है जो यहाँ पे ऐड किए गए हैं। वहीं पे हम अगर लॉक स्क्रीन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, हाँ, नोटिफिकेशन सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एज लाइट में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे कलर्स आप डिसाइड कर सकते हो कस्टम रखना है कैसा रखना है, या वॉलपेपर बेस्ड होगा उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी और उसका काउंटर टाइम कितना होगा, वो चीज़ें आप यहाँ पे जो कंट्रोल कर सकते हो। तो यही कई कुछ नए फीचर्स है जो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे जियो का जो नेटवर्क है वो बिल्कुल ही स्टेबल है, तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है स्टेबिलिटी जियो से रिगार्डिंग, तो कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे आते हैं तो स्क्रीन स्टेबलाइजेशन का नया ऑप्शन देखने को मिलता है, फोकस मोड आपको मिल जाता है डिजिटल वैल्यूइंग वगैरह से। तो ये कुछ कुछ चीजें जो नई ऐड की गई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी यहाँ पे फीचर्स है वो परफेक्टली काम कर रहा है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बैटरी का काफी कमाल का देखने को मिलता है, वहीं पे आपको नेट सेफ्टी भी बिल्कुल ही पास मिलता है। तो ये अब तक का वन ऑफ द बेस्ट रोम हो जाता है, अब तक के जितने भी रोम्स अपडेट आए हैं उनमें से सबसे ऊपर और स्टेबल के मामले में। इसके बाद जो आएगा वो अगर इसको बीट कर सकता है तो वो वन ऑफ द बेस्ट बनेगा, बट अभी तक के लिए फिलहाल ये काफी ज्यादा परफेक्ट और सुटेबल रोम हो जाता है रेडमी के फोर डिवाइस के लिए। आई होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसी तरह के मोर वीडियोज के लिए लाइक जरूर करें, क्योंकि भाई आप लाइक करते हो ना तभी इस रोम का रिव्यू करने का मन करता है रेडमी 4 के डिवाइस के लिए, क्योंकि रेडमी 4 बहुत ज्यादा पुराना हो गया है और आपके व्यूज लाइक्स और सपोर्ट की वजह से मैं अभी तक इसे जो कैरी कर रहा हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।